आइए आज के वीडियो में रविकांत भारती जी की बातें सुनते हैं, जिन्होंने खुले तौर पर इस वीडियो में ये बताने की लोगों को कोशिश की है कि ये जो फिल्म है केरल स्टोरी, ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है कि आने वाले इलेक्शन में हिंदुओं को बीजेपी की बैकअप में पूरे संगठित किया जा सके और उनकी वोट को हासिल किया जा सके। ये एक्चुअली वोट को पोलराइज करने का एक बीजेपी और जो भगवा ग्रुप है उनका साजिश है। आइए इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितना अपने तर्क में रविकांत भारती जी सही हैं। ये स्टोरी इतना सही है पत्रकार महोदय, स्टोरी इतना सही है कि केरला के तमाम बड़े बड़े संगठन और तमाम लोग बोले हैं कि तुम इस स्टोरी को सत्य साबित कर दो और मेरे से 1 करोड़ ले जाओ। कोई कह रहा है 2 करोड़ ले जाओ, कोई कह रहा है 10 लाख ले जाओ। अगर यह डायरेक्टर के अंदर भूता है, ताकत है, तो जाके सही प्रमाणित करे। ये अंधभक्तों के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया इकट्ठा करने से भले अमीर न बने, लेकिन प्रमाणित कर देगा तो हो सकता है बड़े बड़े जो लोग चैलेंज किए हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख दे के उसका जेब भर दे। इस तरह का फेक कहानी बना के लोग समझ गए हैं कि मार्केट को क्या चाहिए। अंधभक्तों को चाहिए नफरत, और हम नफरत देंगे तो अंधभक्त टिकट कटा के पैसा देखेंगे और अपना जेब हम भर लेंगे। कश्मीर फाइल छोटा बजट का फिल्म, करोड़ों करोड़ों कमा के, और आज जो है वो अग्निहोत्री ट्विटर से ज्ञान दे रहा है। लेकिन इन डायरेक्टरों को, इन गोदी मीडिया को, फिल्म बनाने वाले को आजकल एक ही धुन चला है कि हम कैसे हिंदू मुस्लिम करें कि जो है पीछे से प्रधानमंत्री पीठ थपथपाएं और अंधभक्त गोबर भक्त अपने बिल से निकल के फिल्म देख देख के इनके जेब में पैसा भरे। ये पत्रकार महोदय जो केरला स्टोरी ये लोग बता रहे हैं वो केरला स्टोरी नहीं है। केरला स्टोरी तब क्या है, केरला में शिक्षा सबसे ज्यादा है, और जो अंधभक्त गोबर भक्त अपना यह टिकट काट के जाके केरला स्टोरी देख रहे हैं ना, उनके यहाँ शिक्षा देखें कि शिक्षा कितना परसेंट है। तो असल केरला स्टोरी है कि शिक्षा में नंबर वन, स्वास्थ्य की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा में केरला सबसे अच्छा है। तो केरला स्टोरी में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो बहुत डेवलप है। वहां देखिए तो सारे राज्यों में अगर क्राइम का रेशियो देखा जाए तो केरला एक शांतिपूर्ण राज्य है। तो यह जो है असल केरला स्टोरी है। क्राइम रेशियो जरा उत्तर प्रदेश का निकालिए, मध्य प्रदेश का निकालिए, तब पता चलेगा कि असल में क्राइम कहाँ ज्यादा है। लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इसमें मुसलमान समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, भले ही जो है बुरखा और का दिखाया गया है, तो ऐसे तमाम फिल्म में हिंदू सन्यासी को दिखाया जाता है, उनका मजाक बनता है। तो इस बिहार पे जो है फिल्म पास हो गई। लेकिन गोदी मीडिया पिछले 7 सालों से क्या करता आया है, मुसलमान बराबर जिहादी, प्रत्येक बात में इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को गोदी मीडिया में लोग कहते हैं कि नहीं, तो वे लोग 7-8 साल में बनाए हैं कि मुसलमान बराबर जिहादी, आतंकवादी, और अब जो है फिल्म में दिखाया जा रहा है कि ISIS में लड़कियां जा रही हैं। तो बताइए बदनाम किसको किया जा रहा है, यह बदनाम आतंकवादी को कम और देश के मुसलमान को ज्यादा किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, साथियों आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से चर्चा करने के लिए रविकांत भारती जी, और आज हम बात करने वाले हैं, एक फिल्म आई है जिसका नाम है केरला स्टोरी, और उस फिल्म में के ट्रेलर और टीजर में दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियां ऐसी केरला के अंदर है जिनका पहले धर्म परिवर्तन कराया गया है और उनको आतंकवादी संगठन IS के में भेज दिया गया है जंग लड़ने के लिए। लेकिन जब कोर्ट में यह मामला गया और कोर्ट ने जब फटकार लगाया, उसके बाद अब कहा जा रहा है केवल 3 लोगों पर आधारित ये फिक्शन फिल्म है। इसके ऊपर रविकांत भारती जी इस फिल्म को कैसे देखते हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। देखिए द केरला स्टोरी जो फिल्म है यह पूरा तरह से प्रोपोगेंडा फिल्म है, और जिस तरह से गोदी मीडिया के एंकर गलती करके माफी मांग लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो डायरेक्टर है वो माफी मांग चुका है। वो बोला है कि 32,000 वाला मैं डेटा हटा दे रहा हूँ, वो डेटा हटा लिया है। तो ये जो 32,000 का इन लोगों का जो डेटा है पूरा का पूरा फेक है, यह जो है प्रोपोगेंडा फिल्म है, और ऐसे फिल्म को अवॉइड करना चाहिए समाज को देखना। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट ने तो कोई रोक नहीं लगाई है ना, कोर्ट ने इसे बैन नहीं किया गया है, और देश में जो लव जिहाद जो है लगातार बढ़ रहा है, लव जिहाद को रोकने के लिए फिल्म लाई गई है, लोगों को अवेयर करने के लिए लाई गई है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? देखिए अवेयर करने के लिए जो डेटा, अगर मान लीजिए कि अपराध होता है, अपराध का ताल्लुक अपराधी से है, अगर एक जगह कोई अपराध की घटना हो जाए तो हम कह दें कि पूरा देश अपराधी है, तो ऐसा कहना गलत है। कहीं ना कहीं ये जो लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ वो संख्या में 2 से 3 है, लेकिन इस फिल्म में कहा जा रहा है 32,000 लड़कियां। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल केरला में, पूरे भारत में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और यह प्रोपेगेंडा फिल्म आपको समझना पड़ेगा।
इसके पहले एक फिल्म आया था द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर कहाँ है? भारत के सबसे ऊंचा भाग में। केरला कहाँ है? भारत के सबसे नीचे। जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग ना केरला जाते हैं ना कश्मीर जाते हैं, कान से सुन के मान लेते हैं कि बात सच्चा है। इसलिए केरला और कश्मीर का डर दिखा के यह जो है एक प्रोपेगेंडा फिल्म लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों के दिमाग में, लोगों के आत्मा में, लोगों के जहन में नफरत भरे और नफरत का फायदा चुनाव में सरकार लेना चाहती है। इसके वजह से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म को जो है कर्नाटक चुनाव में स्टेज से, मंच से प्रचार कर रहे हैं। यह देश के लिए भी शर्म की बात है। लेकिन इस फिल्म के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश में जो है लगातार लव जिहाद बढ़ रहा है, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके जबरदस्ती उनको जो है मुस्लिम बना दिया जाता है, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं अवेयर तो कर रही है। ऐसा है पत्रकार महोदय, एक होता है इन्फैटुएशन। यह बात आपको समझना पड़ेगा कि देश में लड़का लड़की है तो हो सकता है किसी मुसलमान लड़का का अफेयर हिंदू लड़की से हो जाए, ये भी हो सकता है कि किसी हिंदू लड़का का अफेयर मुसलमान लड़की से हो जाए। तमाम ऐसे केसेस हैं कि हिंदू लड़कों ने शादी किया मुसलमान लड़की से, उस वक्त तो नहीं कहा जाता कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो इस्लाम पे हमला किया जा रहा है। इस तरह की बात आपने सुना है? नहीं सुना है। लेकिन यह मात्र 3 लड़कियों की कहानी को लेके लव जिहाद और इस तरह का जो है मामला बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं 2014 के बाद एक ड्यूटी मिल गया है। यह ड्यूटी गोदी मीडिया निभाते थे कि इस्लाम, मुसलमान, नमाज, अजान, इन सबको बदनाम करो, मुसलमान तबके को जिहादी कहो, आतंकी कहो, इस तरह का कार्य गोदी मीडिया करने में लगा था। तब तक बॉलीवुड वाले सोचे कि भाई हम पीछे क्यों रहे, ये लोग द कश्मीर फाइल मूवी लाके हिंदू मुस्लिम करने लगे, और उसी में जो है केरला स्टोरी जो है केरला का मामला लाके यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का एंगल होने लगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि लोगों को इस तरह से फेक स्टोरी का चक्कर नहीं लगाना चाहिए। जिसको द कश्मीर फाइल्स देख के लगता है हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, वह कश्मीर में जाए। आज कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है? कश्मीरी पंडित चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कोई मदद नहीं कर रही है। तो कश्मीरी पंडित जब यह बात कह रहा है तो वहां गोदी मीडिया अंधभक्त जाके देखे क्या? नहीं देखे। लेकिन जब फिल्म आया तो खूब बोले कि अत्याचार है पंडितों पे। ठीक इसी तरह अगर केरला स्टोरी में देख के लगे कि केरला की हिंदू लड़कियां खतरे में है, तो ये लोग टिकट कटा के केरला जाएं और वहां देखें कि वहां हिंदू मुसलमान कैसे हैं। इस तरह एक और दो कहानी लेके कहा जा रहा है 32,000। यह डेटा समझिए कितना बड़ा डेटा का फेक है। राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे पिछली बार तो बोले थे कि भारत के मुसलमानों को ISIS या किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है जो है डेटा में निकला है कि भारत से 106 लोग ISIS में गए, 106 लोगों में 35% केरला से गए। 35% मतलब 32 लोग केरला से गए। अब 32 लोग में पुरुष भी होंगे, महिलाएं गई होंगी 2-3, और वह 2-3 मुस्लिम महिला गई। हो सकता है उनका धर्म परिवर्तन हिंदू से मुस्लिम नहीं किया गया हो, लेकिन इस तरह का फेक कहानी बना के लोग समझ गए हैं कि मार्केट को क्या चाहिए। अंधभक्तों को चाहिए नफरत, और हम नफरत देंगे तो अंधभक्त टिकट कटा के पैसा देखेंगे और अपना जेब हम भर लेंगे। कश्मीर फाइल छोटा बजट का फिल्म करोड़ों करोड़ों कमा के, और आज जो है वो अग्निहोत्री ट्विटर से ज्ञान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह केरला स्टोरी वाला भी समझा है कि अंधभक्त गरीबी से मरे, बेरोजगारी से मरे, फिर भी इनके जेब से पैसा लेना है तो हमें कुछ हिंदू मुस्लिम दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए यह हिंदू मुस्लिम इस फिल्म में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर केरला की स्टोरी क्या है, आप बताइए। केरला की स्टोरी पहले तो देखिए, टीजर ही गलत था कि 32,000 लड़कियों के साथ जो है यमन और सीरिया कहां कहां ले जाया गया। यह डेटा गलत है। अंत में जो है भुजदिल डायरेक्टर जो है भुजदिल, वो हटाए उन लोगों ने टीजर से। अगर ये लोग सही रहते तो 32,000 का नाम क्यों हटाए? मैं देखा गोदी मीडिया में वो जो दे है उसका इंटरव्यू में वो कह रहा है कि यह सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। कोर्ट में इन लोगों ने बोला है कि नाटकीय तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 लोगों की कहानी पूरे हिंदुस्तान की कहानी बताना ये गलत है। जैसे बात समझिए, एक अपराध हुआ, कोई किसी को गोली मार दिया, हम बोले कि पूरा हिंदुस्तान अपराधी है। नहीं, अपराध का जो संबंध है अपराधी से है। इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है फिल्मों के माध्यम से, वह बहुत गलत है। आखिरी सवाल ये है कि क्या जो फिल्म बनी है 3 ही लोग पे अगर बनी है तो क्या ये स्टोरी सही है? ये स्टोरी इतना सही है पत्रकार महोदय, स्टोरी इतना सही है कि केरला के तमाम बड़े बड़े संगठन और तमाम लोग बोले हैं कि तुम इस स्टोरी को सत्य साबित कर दो और मेरे से 1 करोड़ ले जाओ। कोई कह रहा है 2 करोड़ ले जाओ, कोई कह रहा है 10 लाख ले जाओ। अगर यह डायरेक्टर के अंदर बूता है, ताकत है,
तो जाके सही प्रमाणित करें। ये अंधभक्तों के 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया इकट्ठा करने से भले अमीर न बने लेकिन प्रमाणित कर देगा। तो हो सकता है बड़े बड़े जो लोग चैलेंज किए हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख दे के उसका जेब भर दे। समझिए यहाँ पे इसलिए वे लोग जो है अवार्ड रखे हैं क्योंकि उन लोगों को पूरा भरोसा है कि इस तरह का कार्य नहीं हुआ है। यह फिल्म पूरी से पूरी तरह से मुसलमान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए जो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इसमें मुसलमान समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, भले ही जो है बुरका और का दिखाया गया है, तो ऐसे तमाम फिल्म में हिंदू सन्यासी को दिखाया जाता है, उनका मजाक बनता है, तो इस बिहार पे जो है फिल्म पास हो गई। लेकिन गोदी मीडिया पिछले 7 सालों से क्या करता आया है, मुसलमान बराबर जिहादी, प्रत्येक बात में इन जिहादियों को इन आतंकवादियों को गोदी मीडिया में लोग कहते हैं कि नहीं, तो वे लोग 7-8 साल में बनाए हैं कि मुसलमान बराबर जिहादी आतंकवादी, और अब जो है फिल्म में दिखाया जा रहा है कि ISIS में लड़कियां जा रही हैं। तो बताइए बदनाम किसको किया जा रहा है? यह बदनाम आतंकवादी को कम और देश के मुसलमान को ज्यादा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे उनका बयान है कि भारत के मुसलमान आतंकवादी के साथ संबंध नहीं रखते, तो क्या उनके ऊपर हो गया ये डायरेक्टर और ये फिल्म का प्रोड्यूसर? मैं बार बार कहना चाहूंगा देश के अंधभक्तों से कि जो है यह फिल्म भले ही तुम लोग देखो, दिमाग में नफरत पालो, लेकिन बेरोजगार रहने के लिए तैयार रहो, भूखे रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बेरोजगारी का मार तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और मैं देश के मुसलमानों से यह कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा हवा बनाने की, विरोध करने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, फिल्म आएगा चला जाएगा, 1 साल बाद जो है माहौल बदलेगा, क्योंकि कश्मीर फाइल में बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो सब जगह ये लोग कश्मीर फाइल हॉल में अपने पैसे से लोगों को दिखाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा तवज्जो हमें देने की जरूरत। रविकांत भारती जी एक न्यूट्रल पत्रकार है जो हमेशा दबे कुचले और माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास के हक में बोलते आए हैं। उन्होंने मुसलमानों की इस वीडियो में सही एडवाइज किया है कि जिस तरह से कश्मीर फाइल में को मुसलमानों ने विरोध किया था उसकी वजह से उसको उस फिल्म की काफ़ी पब्लिसिटी हुई और बहुत से जो हिंदुत्ववादी तबका थे उन्होंने उस फिल्म को मुफ्त में अपने सपोर्टरों को दिखाया है। एक्चुअली उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है रविकांत भारती जी ने कि ये एक्चुअली आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसका रिहर्सल है, उसको उसमें वोट को पोलराइज करने के लिए अभी से ही हिंदू मुस्लिम का राग अलापा जा रहा है, ऐसी फिल्में रिलीज की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिल में नफरत को बढ़ाया जाए और उन्हें BJP के खिलाफ मजबूत तरीके से संगठित किया जाए। तो रविकांत भारती जी दूसरा पॉइंट जो बोलते हैं कि ये पूरा तरीके से केरल स्टोरी जो मूवीज़ है कम्प्लीटली एक झूठ है, फ्रॉड है, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इसके लिए कहा कि केरला के बहुत से लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रहे हैं जो इस फिल्म में दिखाई गई स्टोरी को सच साबित करे। तो केरल स्टोरी को हम एक साजिश का हिस्सा ही समझेंगे, ये फिल्म नहीं, एक साजिश का हिस्सा है जो मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है ताकि हिंदू बहुत को पोलराइज किया जा सके या मुसलमानों को पूरी तरीके से बदनाम किया जा सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।